नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भाटापारा निवासी बसंत भृगु अपने राजनीतिक पहुंच दिखाकर जमीन बिक्री के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा करने में लगा हुआ है। सच्चानंद विधवानी परिवार, जो कि भृगु हॉस्पिटल के पास 3000 वर्ग फीट जमीन जो रोड से लगा हुआ है उसको दिखाकर बेच दिया और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन अब दूसरे की जमीन को दिखाकर उस पर कब्जा करने को कह रहा है। इसकी शिकायत थाने में की गई है। बसंत भृगु के कारनामों से भाटापारा निवासी परेशान है। कई लोगों ने जमीन बिक्री के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। आशा विधवानी पति सच्चानंद विधवानी के साथ भी भृगु हॉस्पिटल के समीप सड़क से लगे 3000 स्क्वायर फीट जमीन को दिखाकर पहले सौदा करवा लिया, उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री हो गई। जब जमीन को कब्जा करवाने की बात आई तो बसंत भृगु अपने राजनीतिक पहुंच दिखाकर सच्चानंद विधवानी को धमकाने लगा है, जिसकी शिकायत सच्चानंद ने भाटापारा थाने में करने के साथ रायपुर में अपने पहचान वालों को बताई। इस मामले में सुलह करवाने के लिए रायपुर से दलबल के साथ लोग गए, लेकिन मौके पर बसंत भृगु नहीं गए। इस मामले में पीड़ित सच्चानंद विधवानी का कहना है कि 2010 में रजिस्ट्री होने के बाद भी उन्हें जमीन कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है और पीछे की जमीन को कब्जे करने को बोल रहा है, जो उनकी है ही नहीं। ऐसे में उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बता रहा है कि पीछे जमीन है, उसी में आप जाके वो करो, लेकिन उसकी जमीन ही नहीं है पीछे, तो हम कैसे चल दें? और 6 महीने से पहले हमको चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, चेक का अलग लगा हुआ है मामला, लेकिन फिर भी अभी दबाव ऐसा सा डाल देता है कि आदमी का अपने प्रताड़ित कर देता है। आदमियों की तरफ से किसी से फोन करवा देगा, कभी किसी से फोन करवा देगा। ये 2010 से अपन लोग इससे प्रताड़ित हैं और हमारे को ये जमीन की रजिस्ट्री किया है और बता रहा है कि फलाना खसरा नंबर है, वो जो उसके नाम का खसरा नंबर नहीं है, उसमें जाके बोलता है कि आप कब्जा कर लो, मैं बैठा हुआ हूँ, वो आता नहीं है सामने कब्जा कराने के लिए और सिर्फ हमको घुमा ही रहा है। अब आखिरी रास्ता ये बचा हुआ है कि नहीं तो इसके नाम से हमको ना आत्महत्या करना पड़ेगा। ये स्थिति आ गई है हमारी।